भारत और वेस्ट इंडीज के बीच चल रही वनडे सीरीज के पहले वनडे मैच में भारत ने शानदार जीत हासिल करने के बाद भारत और वेस्ट इंडीज का दूसरा वनडे मैच 24 अक्टूबर को विशाखापट्टनम में खेला जाएगा। आपको बता दें कि भारतीय टीम ने अपने 12 सदस्यों टीम का ऐलान कर दिया है। बता दें कि टीम में 12 खिलाड़ी वही हैं जो पहले वनडे मैच में शामिल थे। वहीं दूसरी ओर अगर कुलदीप यादव की बात करी जाए तो कुलदीप यादव इस बार भी प्लेइंग 11 में शामिल नहीं हो पाएंगे। वहीं दूसरी ओर भारतीय टीम की गेंदबाजी की बात करी जाए तो भारतीय टीम की गेंदबाजी पहले मैच में काफी अच्छी देखने को मिली थी। बता दें कि भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला वनडे मैच गुवाहाटी में खेला गया था। इस मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर 5 वनडे मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली थी। इस मैच के दौरान विराट कोहली ने 140 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली थी। विराट कोहली दूसरे वनडे मैच में एक विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर सकते हैं। विराट कोहली वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन सकते हैं। फिलहाल ये रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के बाद है। बहरहाल दूसरे वनडे मैच के भारतीय सदस्यों का हम आपको नाम बता देते हैं। तो सबसे पहले भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली, शिखर धवन, रोहित शर्मा, अंबती रायडू, ऋषभ पंत, महेंद्र सिंह धोनी, रविंद्र जडेजा, युजवेंद्र चहल, उमेश यादव, मोहम्मद शमी और खलील अहमद, और 12वें जो हमारे खिलाड़ी हैं जो कि मैच के बाहर रहेंगे, कुलदीप यादव। अब ऐसे में ये देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या भारतीय टीम अपने दूसरा वनडे मैच में भी ये जीत को बरकरार रखती है या नहीं। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट डेस्क से गौरव की रिपोर्ट।